आज हम लोग डेरिवेटिव का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव। ये आपका NISM सीरीज 8 एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, मतलब इवन हम लोग उसी बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं और सेम इसी बुक से सेम कंटेंट के ऊपर आपका एग्ज़ाम आएगा। और ये बुक मैं अभी आपके साथ शेयर भी कर दूँगा, और अगर मैंने ये वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूँगा बुक का, तो वहाँ से आप बुक डाउनलोड कर लीजिएगा। ये बुक आपको पढ़नी है, इसी के बेस पे पूरा एग्ज़ाम आएगा। और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए पहले आपको nscindia.in पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका एग्ज़ाम का डिटेल आ जाएगा, आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपको सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना है। और ये एग्ज़ाम सर्टिफिकेट आपको हाथ में आएगा तो मतलब ये आपका एश्योरेंस हो गया आपकी जॉब किया। किसी भी ब्रोकिंग हाउस में, फाइनेंस कंपनी में जब आप इंटर करते हैं तो सबसे पहले उसके रिसेप्शन एरिया में आपको वॉल पे बहुत सारे सर्टिफिकेशन दिखाई देते हैं, मतलब सेबी ने और दूसरे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ने ये कंप्लायंस कर रखा है कि कोई भी बंदा, कोई पर्सनल तब तक किसी फाइनेंशियल कंपनी में काम नहीं कर सकता जब तक उसके पास NISM सर्टिफिकेशन ना हो, या उसके पास फाइनेंशियल मार्केट के सर्टिफिकेशन ना हो। इवन सेल्स का काम, बैकएंड का काम, डीपी का काम, एनालिस्ट का काम, कुछ भी वो नहीं कर पाएगा जब तक उसने अप्रूवल नहीं लिया है एक्सचेंज से और सेबी से इन द फॉर्म ऑफ वेरियस सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो अगर आपको डीलर बनना है, आपको ट्रेडिंग करनी है स्टॉक मार्केट में, तो वो काम करने के लिए ये सर्टिफिकेशन, डेरिवेटिव मॉड्यूल वाला सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। और अगर किसी भी ब्रोकिंग हाउस को एक नई ID क्रिएट करनी है एक्सचेंज में जिसके थ्रू अपने क्लाइंट्स के सौदे करेगा, तो उसको किसी ना किसी इंडिविजुअल का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, वो कहलाएगा डीलर, और उसी डीलर के हाथ में वो सारे क्लाइंट्स दिए जाएंगे, उसी के टर्मिनल पे वो मैप दोंगे। तो यानी कि ये ब्रोकिंग हाउस के लिए भी मैंडेटरी है कि अगर वो किसी को हायर करेगा तो बिना सर्टिफिकेशन के नहीं हायर कर सकता है। ठीक है, उसके लिए वो कोई काम का बंदा नहीं होगा। इसीलिए क्या होता है कि कभी कभी कंपनियाँ इमरजेंसी में हायरिंग करती हैं तो उसके साथ ये रिस्ट्रिक्शन लगा देती हैं कि यू विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर नेक्स्ट 3 ईयर अनटिल आपको आपका NISM सर्टिफिकेशन क्लियर करना है। अगर आप 3 महीने के अंदर क्लियर कर लेंगे तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, अदरवाइज आपको बाहर। तो आप जॉब हो सकता है आपको इतनी लिवरेज मिल जाए, टाइम दे दे वो, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। जो पहले से क्वालिफाइड होता है या जिसके पास पहले से सर्टिफिकेशन होता है उसको प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि वो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये करे ना, मेरा टाइम भी बर्बाद हो, सैलरी भी बर्बाद हो जाए। ठीक है, तो इसलिए जिसके पास पहले से होता है उसी को प्रायोरिटी। तो हम लोग सबसे पहले डेरिवेटिव की बात करते हैं। डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि विच इज़ डिराइव फ्रॉम देयर अंडरलाइंग एसेट, कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ जो किसी अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करी जाती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिल्क। ठीक है, मिल्क के बहुत सारे डेरिवेटिव्स आते हैं, जैसे कि हाँ मक्खन, घी, छाछ, लस्सी, दही, कर्ड जिसको कहते हैं, स्वीट्स, बहुत चीज़ें बनती हैं, नंबर ऑफ चीज़। तो ये सब क्या है, डेरिवेटिव है। वो सारी चीज़ें जो मिल्क से डिराइव किए जा सकते हैं वो डेरिवेटिव कहलाते हैं। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, स्टॉक मार्केट में या इक्विटी मार्केट में उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब कभी हमें कुछ लिवरेज ट्रेडिंग करनी होती है या हमें कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज चाहिए होता है, तो हम डेरिवेटिव की तरफ जाते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि डेरिवेटिव को क्यों बनाया गया, कोई बना आंसर देना चाहेगा? अवॉइड रिस्क। और जबकि सबसे ज्यादा कहा था कि सबसे ज्यादा रिस्क तो डेरिवेटिव में ही है, अगर डेरिवेटिव ट्रेडिंग कोई कर रहा है तो सबसे ज्यादा रिस्की काम कर रहा है। इक्विटी में डायरेक्ट ट्रेड करेगा तो कम रिस्की है वो, तो सबसे ज्यादा रिस्की है, तो अवॉइड रिस्क कहाँ हुआ? कोई बताएगा डेरिवेटिव क्यों बनाया गया था? सर ने क्या बताया? कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए। और क्या बताया गया है क्यों डेरिवेटिव का यूज कर, कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए और रिस्क कम करने के लिए। और डेरिवेटिव का इस्तेमाल इसीलिए किया गया था कि हम कम कॉस्ट पे ज़्यादा ट्रेड कर पाएँ और अपने रिस्क को रिड्यूस कर पाएँ। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी 99.9% ब्रोकर क्या करते हैं कि वो डेरिवेटिव टूल्स को गैम्बलिंग टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। और भोले भाले जो नए इन्वेस्टर आते हैं जिन्होंने अभी साल, दो साल, तीन साल में अकाउंट खोले हैं, उनको वो डेरिवेटिव अकाउंट ओपन कर देते हैं, और डेरिवेटिव अकाउंट ओपन करने के बाद वो ट्रेडिंग करा देते हैं उनको वहाँ पे जो डीलर्स बैठे होते हैं, जो ये सर्टिफिकेट करके जो बनेंगे आप लोग, क्योंकि उनके ऊपर उनकी कंपनी की तरफ से प्रेशर होता था कि वॉल्यूम करो। तो वॉल्यूम करने के चक्कर में वो अपने कस्टमर्स को फ़ोन करते हैं ट्रेडिंग डेस्क से कि सर ये कॉल है, वो कॉल है, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो करता है क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है। और जैसे ही वो ये काम करता है तो कुछ सौदों में तो प्रॉफिट आता है, तो उसको लगता है कि हम अब रॉबिन हुड बन गए हैं। वो जो रॉबिन हुड इन्वेस्टर होता है वो सबसे खतरनाक होता है,
जिसको एक कहावत है हिंदी में, अजल गगरी छलकत जाए, क्योंकि उसको कंप्लीट नॉलेज नहीं होता है और वो उस जोश में आके अपने होश खो देता है और खूब ट्रेडिंग करने लगता है। और जैसे ही ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है अपने मन से उल्टे सीधे ट्रेड लेता है एक्साइटमेंट में, उस चक्कर में वो पूरा पैसा ज़ीरो कर देता है, क्योंकि डेरिवेटिव में पूरा पैसा ज़ीरो हो जाता है, एक्सपायरी हो जाती है, सौदे कट जाते हैं। अगर आपने कोई शेयर खरीदा और गलत कॉल हो गई, मान लीजिए किसी ने LIC का IPO लगा दिया और वो 25% नीचे चला गया, ठीक है, तो लेकिन चलो उस पर फिर भी आस है कि LIC कंपनी है, बड़ी कंपनी है, हो सकता है फ्यूचर में कभी रिकवर करेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने LIC का डेरिवेटिव अभी तो नहीं आता है, लेकिन अगर डेरिवेटिव ले लिया होता तो उसमें 12% 20% का मार्जिन होता है, या मान लीजिए 25% का मार्जिन होता है, 25% नीचे आया मतलब आपका पूरा पैसा ज़ीरो हो गया, ठीक है, ख़त्म, खेल ख़त्म, ज़ीरो अकाउंट हो गया आपका। तो कैश जो है कंपेरेटिवली, अब इस नज़र से हम देखें तो हमें लगता है कैश ज़्यादा सेफ है, डेरिवेटिव ज़्यादा रिस्की है। यस रिस्की है, लेकिन उसको ये करने के लिए नहीं बनाया गया था जो हम लोग कर रहे हैं। डेरिवेटिव को इसलिए बनाया गया था कि हम अपने पोर्टफोलियो को हैज कर पाएँ, इंश्योरेंस कर पाएँ, प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो कैसे करेंगे, ये कोई तरीका आप लोग को बताया गया है या आप लोग ने कुछ पढ़ा है इससे रिलेटेड कि अपने पोर्टफोलियो को कैसे प्रोटेक्ट करें। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास निफ्टी 50 के शेयर्स हैं, मार्केट जो है वो हाई पे पहुंच गया है, तो अब मेरे पास ऑप्शन ये है कि मुझे लग रहा है कि अगर निफ्टी 50 के शेयर्स हैं और मार्केट हाई पे पहुंच गया है तो अपने कुछ शेयर बेचे। तो शेयर बेचने में क्या होता है, डिलीवरी चार्जेस लगता है, डिलीवरी ब्रोकेज, और ख़रीदने में नहीं लगती है ब्रोकेज ज़्यादा, या कभी कभी कुछ कंपनियां तो खरीदने में फ्री कर देती हैं, सेल करने पे लगती है, और सेल करने पे DP चार्जेस भी लगते हैं और गवर्नमेंट कस के उस पर STT भी लगाती है। तो अगर आपने 1,00,000 रुपये का माल बेचा डिलीवरी में, तो आप मानिए कि आपका 500 से 1,000 रुपये का खर्चा बैठ गया एक ट्रेडिशनल ब्रोकर के पास। तो अगर 500 से 1,000 रुपये का खर्चा बैठ गया और तो आपने 1,00,000 रुपये का माल बेचा, तो अगर वो नेट टू नेट बिक गया तब भी आपको हाथ में 99,000 ही आएंगे या 99,500 आएंगे, मतलब तगड़ा खर्चा लगता है। दूसरा नुकसान क्या होता है, अगर आपने शॉर्ट टर्म में बेच दिया है विद इन अ ईयर, तो 15% कैपिटल गेन टैक्स भी लग जाएगा, हो सकता है प्रॉफिट आपका ना हुआ उतना, या आपका 15% प्रॉफिट हुआ, तो 15% प्रॉफिट हुआ तो सरकार ले जाएगी, ठीक है, मतलब प्रॉफिट पे 15% का टैक्स लग जाएगा, तो शेयर करना पड़ेगा आपको, अपना प्रॉफिट गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा। प्लस एक बड़ा ड्रॉबैक और है, आज सुबह मैंने स्टेटस शेयर किया था वॉरेन बफेट का, किसी ने देखा है वो क्या है उसमें लिखा है, किसी ने देखा है अगर क्या लिखा है उसमें, याद हो रहा हो कुछ, नहीं अभी नहीं देखना है, अगर क्या क्या लिखा था उसमें, उसमें ये लिखा था कि अगर आप किसी शेयर को 10 साल होल्ड करने के लिए तैयार नहीं है तो आप 10 मिनट के लिए भी मत खरीदो उसको, ठीक है। अगर आप कोई शेयर को 10 साल होल्ड करने को तैयार नहीं हो तो आप उसको 10 मिनट के लिए भी मत खरीदो, मतलब कहने का मतलब है लॉन्ग टर्म के लिए रखो, तभी आपको रियल में वेल्थ क्रिएट होगी। जैसे मैंने आपको इन्फोसिस और विप्रो का एग्जांपल बताया, किसी ने 2-4 महीने के लिए लिया होता तो उसको क्या मिलता, हो सकता है लॉस में निकल जाता। जैसे विप्रो पिछले 6 महीने से भयानक लॉस दे रहा है, जिसने 800 में खरीदा होगा उसका 400 रुपये का हो गया, 50% घट गया, ठीक है। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए खरीदेगा होगा तो उसको लॉस भी हो सकता है, एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म ट्रेड है ये, ठीक है। और हमेशा हमें इक्विटी मार्केट में एग्रेसिवली वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, हमें स्कैटर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके SIP के वे में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको कहते हैं, SIP इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और हमें करना क्या चाहिए, जब भी मार्केट में करेक्शन आए तो SIP को टॉपअप कर दो। तो नॉर्मल केस में आपका रिटर्न बनेगा 12-15% का, अगर आप SIP चला के उसको टॉपअप करोगे तो आप 20-25% रिटर्न बना लाओगे, और 20-25% रिटर्न पता समझ रहे हैं वॉरेन बफेट से ज़्यादा रिटर्न बना लिया आपने, क्योंकि वॉरेन बफेट ने अपने लाइफ टाइम में 21% से कंपाउंडिंग करी है, और हम SIP का हेल्प करके वॉरेन बफेट से कम दिमाग और कम टाइम लगा के उनसे ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं। आपको करना क्या है, जब भी मार्केट में रिसेंट हाई से 5% का करेक्शन हो, मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर ये रहेगा, सिर्फ करना क्या है, एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए, लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप का, अच्छे फर्म फंड हाउस का, बढ़िया फंड मैनेजर हो, और उसमें आप SIP चला दें। लेट अस अज्यूम 1,000-1,000 रुपये की 3 SIP चला दी, ठीक है, 3,000 रुपीज़ कोई भी बेयर कर सकता है मंथली, एक ट्यूशन पढ़ाएंगे तो आपको 3-4 हज़ार रुपये मिल जाएगा महीने का,
और आपको करना क्या है, रीसेंट हाई से जब भी मार्केट 5% गिरावट आए, आप SIP अमाउंट के बराबर का अमाउंट टॉपअप कर दीजिए। रीसेंट हाई से 10% का गिरावट आए, SIP अमाउंट का डबल अमाउंट से टॉपअप कर दीजिए। हर 5% पे आपको अमाउंट बढ़ाते जाना है 100% से, यानी कि अगर रीसेंट हाई से 15% का करेक्शन आ गया तो अब आपको 3000 से टॉपअप करना है। नहीं है 3000 तो 2 ही से कर दो, 1 से ही कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन थंब रूल जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप ये फंडा 10-15 साल 20 साल चलाते रहेंगे, आप 25% से कंपाउंडिंग करेंगे, ये रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड रहेगा। अब 25% की कंपाउंडिंग ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स होते हैं, आप वॉरेन बफेट से ज़्यादा रिटर्न बना रहे होंगे और दुनिया के किसी भी फंड मैनेजर से ज़्यादा रिटर्न बना रहे होंगे। इतना सिंपल है ये, इतना सिंपल है ये। तो अब क्वेश्चन ये आता है, इतना सिंपल है तो सब लोग क्यों नहीं बना लेते हैं? इसका आंसर तो आप ही करेंगे, क्योंकि ये कोई डिसिप्लिन से करता ही नहीं है। पहली बार उसको मेंटर पे भरोसा ही नहीं होता है। या देखो, वेल्थ क्रिएशन करने के लिए कई सारे संयोग चाहिए। पहला संयोग, वो इन्वेस्टर डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, उसका लॉन्ग टर्म विज़न होना चाहिए, ठीक है, प्लस मार्केट में करेक्शन आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है साल दो साल तीन साल तक मार्केट स्ट्रेट लाइन ऊपर जाता है, जैसे अभी कोविड के समय से लेके पिछले 2 साल तक स्ट्रेट लाइन ऊपर ही जा रहा था, कोई करेक्शन आया ही नहीं। थर्ड पॉइंट, करेक्शन के समय आपके पास वेल्थ भी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, मनी। और फोर्थ एंड सबसे इम्पोर्टेंट, करेज। जब करेक्शन आए तो लगाने की करेज भी होनी चाहिए, इतनी दम भी होनी चाहिए कि मार्केट गिर रहा है और आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि लोग घबरा जाते हैं। ये चार संयोग जब मिलते हैं, इन चार चीज़ों का जब संगम होता है तब वेल्थ क्रिएट होती है। और ये चार चीज़ों का संगम होना बड़ा दुर्लभ है, ऐसा दुनिया में सिर्फ 1-2% लोग कर पाते हैं। लॉन्ग टर्म विजन, डिसिप्लिन फॉलो करें, सेकंड पॉइंट क्या, मार्केट में करेक्शन आए, थर्ड पॉइंट क्या, मनी भी हो आपके पास उस समय, और फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट, कि तीन चीज़ें तो सबके पास हो जाती हैं, चौथा नहीं आ पाता है, दम ही नहीं पड़ती है, मार्केट गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है और आप पैसा लगाएं, क्योंकि आपकी पोर्टफोलियो देख के पहली हालत ख़राब हो रही होती है, इतना लॉस हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, क्या करेंगे और पैसा ना डूब जाए मेरा। तो वो चार चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती, तो जब चार चीज़ें नहीं हो पाती इसलिए 99% लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। सिंपल सी बात है, वेल्थ क्रिएशन इतना ही आसान है। डेरिवेटिव में हम लोग अब इसको जरा एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। डेरिवेटिव इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट और अ प्रोडक्ट हुज वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम वैल्यू ऑफ सम अदर असेट नोन एज अंडरलाइंग। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड का फ्यूचर ट्रेड कर रहा है कमोडिटी मार्केट में, MCX मल्टी कमोडिटी स्टॉक चेंज है इंडिया में, उसमें गोल्ड का फ्यूचर ट्रेड करता है। तो गोल्ड का फ्यूचर अगर ट्रेड कर रहा है तो गोल्ड के फ्यूचर की जो वैल्यू है वो कहाँ से निकल रही है, उसका क्या प्राइस है, ये कौन डिसाइड करेगा? जो गोल्ड का स्पॉट में प्राइस चल रहा होगा वो डिसाइड करेगा। आपने गोल्ड का फ्यूचर खरीदा, गोल्ड का फ्यूचर क्या है, डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव डिराइव होते हैं किसी अंडरलाइंग असेट से, तो उसका अंडरलाइंग असेट क्या है, प्योर गोल्ड, यानी कि स्पॉट मार्केट में गोल्ड प्राइस। स्पॉट मतलब हाजिर बाजार, और फ्यूचर मतलब वायदा, हम आपको ऐसा करने का वायदा कर रहे हैं। डेरिवेटिव क्या है, हाइपोथेटिकल चीज है, हाथ में कुछ नहीं होता, सिर्फ वायदे होते हैं, उसको कहते हैं वायदा बाजार। कि मैं आपसे, जैसे एक ट्रेडिशनल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की बात मैं करता हूँ, सबसे पहले कैसे शुरू हुआ, जैसे फार्मर है, गरीब किसान, उसने क्या किया, खेती करी, गेहूं की खेती करी, वीट। अब वो उधार लेके उसने खेती करी है, उधार लेके बीज लाया, उधार लेके उसने पेस्टिसाइड स्प्रे कराया, उधार लेके उसने फर्टिलाइजर्स डाले, उधार लेके उसने सिंचाई करी है, और उधार लेके उसने मजदूरों को लगा के खेती कराई है, और ख़ुद भी मेहनत करी है, उसके फैमिली ने भी पूरी मेहनत करी है धूप में। आप इस समय देखिए, बाहर खड़े करने को कह दो, आधे घंटे गिर जाएगा वो तड़ाक से वहीं पे, और किसान जो है पूरे दिन धूप में काम करता है। मैंने देखा, मुझे देख के मतलब चक्कर आ रहे थे कि कैसे कर लेते हैं यार ये लोग, पूरे दोपहर में सुबह से लेकर शाम तक वो धूप में काम करता है, और हम लोगों को अगर कह दिया आधे घंटे धूप में खड़े रहो तो चक्कर खा के गिर जाएंगे, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, ग्लूकोज चढ़ेगा। तो ऐसा किसान, अब उसने इतना लोन ले रखा और अभी आने वाले समय में एकदम मूसलाधार बारिश हो जाए, उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाए, या ओले गिर जाएं, या रात में बैठा है एक हिरन का या नीलगाय का झुंड आके उसकी पूरी फसल खा जाए, तो क्या करेगा वो, सुसाइड कर लेगा, क्योंकि महाजन साहूकार उसके घर के बैल
बर्तन भाड़े उसकी गाय सब उठा ले जाएंगे, और यही होता भी है। किसी ने वो पढ़ी है बुक गोदान? गोदान मुंशी प्रेमचंद की एक नॉवेल है, उसके ऊपर मूवी भी बनी है। मदर इंडिया जो मूवी बनी है वो मुंशी प्रेमचंद की नॉवेल के ऊपर ही बनी है। मेरे ख्याल से मदर इंडिया गोदान पे बनी है क्या? आई थिंक सो। तो हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे एक ट्रेडिशनल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का, कि कैसे डेरिवेटिव स्टार्ट हुआ होगा। तो अगर ऐसा किसान कोई होता है तो वो क्या करता है कि अभी की भाव पे अपनी फसल को किसी ट्रेडर को बेच देता है, उसके साथ एक एग्रीमेंट कर लेता है जिसको कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर नहीं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता है? कि आज से 3 महीने बाद जब फसल पक के तैयार होगी तो ये पूरी फसल आपकी हो गई, और आप मुझे 1000 रुपीज़ पर क्विंटल के हिसाब से गेहूं का पे करेंगे। अगर फसल खराब, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे अगर 1 बीघे की खेती है तो 1 बीघे में मान लो 10 क्विंटल अनाज होगा, तो आप मुझे 10,000 रुपीज़ पे कर दें, तो वो क्या करेगा? 10,000 रुपीज़ अभी पे कर देगा। फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि 10 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल्स भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, या 5 भी हो सकता है। फसल बर्बाद भी हो सकती है, कीड़े लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसने क्या किया, अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर लिया। कैसे मिनिमाइज़ किया? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि उसको पता है कि अगर फ्यूचर में फसल ख़राब हो गई, और जो ट्रेडर है उसको पता है कि इससे 20 क्विंटल अनाज निकलेगा, मैं इसको दे तो सिर्फ 10 ही क्विंटल कर रहा हूँ पैसा, और उसको पता, और मैं इसको बेचूंगा 1500 पे, इसको मैंने 1000 ही दिया, तो अगर 10 भी हुआ तब भी मेरा फ़ायदा होगा, और उस मुझे पता है कि इसमें 20 होगा क्योंकि बढ़िया फसल हो रही है, ठीक है, तो वो भी अपना प्रॉफिट निकाल लेता है उससे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करके। दोनों का विन विन सिचुएशन फॉर बोथ बायर एंड सेलर, ठीक है। तो ये क्या है? एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब फ्यूचर क्या होता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को जब लीगलाइज कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटर, तो वो क्या बन जाता है? ये क्या है? वायदा। वायदा उसने किया कि हम आपको उस समय अपनी फसल दे देंगे, और उसने वादा किया कि उस भाव पे हम आपको पैसा दे देंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया। फॉरवर्ड और फ्यूचर में डिफरेंस क्या है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई पार्टी मना कर दे तो उसका कोई लीगल एविडेंस नहीं है, मतलब उसको आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपके पास कोई रिटन एग्रीमेंट तो था ही नहीं। लेकिन फॉरवर्ड को जब लीगलाइज कर देते हैं तो फ्यूचर बन जाता है। फ्यूचर में लीगल ऑब्लिगेशन होता है कि आपका मार्जिन जमा है एक्सचेंज में पहले ही, अगर आप मुकरेंगे तो आपका सौदा काट दिया जाएगा, मार्जिन जब्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डिनाई नहीं कर सकते हैं, आपने एक बार ट्रेड कर दिया तो कर दिया, ठीक है। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में यही गड़बड़ होती थी कि कोई लोग मुकर जाते, उसने देखा फसल ख़राब हो गई है तो वो गायब हो गया ट्रेडर, अब बढ़िया फसल हुई तो आके उसने किसान को धमका के पूरी फसल ले ली, 10 क्विंटल का 20 क्विंटल ले लिया कि ये तो अब मैंने बुक कर लिया था, पूरा दो मुझे, ठीक है, और ख़राब हो गई तो भाग गया। तो ये नुकसान होता है फॉरवर्ड में। तो फॉरवर्ड और फ्यूचर में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब वो लीगलाइज हो जाता है तो वो फ्यूचर बन जाता है। क्लियर यहाँ तक? डेरिवेटिव आर बेस्ड ऑन वाइड रेंज ऑफ अंडरलाइंग असेट। कौन कौन से अंडरलाइंग असेट्स हो सकते हैं? गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, ये सब क्या कमोडिटी एक्सचेंज पे काम करते हैं। हमारा जो MCX NCDX एक्सचेंज है, MCX जो है वो कमोडिटी मेटल पे ज़्यादा काम करता है, और NCDX जो है वो एग्रो कमोडिटीज़ पे काम करता है, चना, मेंथा, वीट, ग्वार, सुगर, ठीक है, इन सब पे काम करता है। एनर्जी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। इंडिया में कोल, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम नहीं होता। इंडिया में किस किस के ऊपर होता है काम? क्रूड ऑयल पे होता है और नेचुरल गैस पे होता है, दो कमोडिटीज़ में काम। फिर एग्री कमोडिटीज़ आती हैं, जो हमने बताया था कौन से एक्सचेंज में ट्रेड करता है, NCDX में ट्रेड करता है। वीट, सुगर, कॉफ़ी, कॉटन। इंडिया में कॉफ़ी नहीं ट्रेड होता है, कॉटन होता है, पल्सेस होता है, बाकी सब होता है, लेकिन कॉफ़ी साइड ट्रेड नहीं होता इंडिया में, आई थिंक सो। और फाइनेंशियल असेट जो सबसे ज़्यादा ट्रेड किए जाते हैं, रिलायंस का फ्यूचर, ITC का फ्यूचर, HUL का फ्यूचर, ऑप्शंस भी। फ्यूचर और ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है? फ्यूचर में जो एक तो पहली बात मार्जिन ज़्यादा लगता है, ये अभी आगे डिटेल में आएगा पूरा, फ्यूचर और ऑप्शन क्या क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या है उसकी, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि डेरिवेटिव क्या होते हैं। ऑप्शन और फ्यूचर में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि ऑप्शंस में आपको सिर्फ प्रीमियम पे करना होता है, जैसे कि ऑप्शन इज अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस। तो फ्यूचर और ऑप्शन का हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं, या क्यों बनाए, स्टॉक मार्केट में क्यों बनाए गए थे?
तो फ्यूचर और ऑप्शन स्टॉक मार्केट में इसलिए बनाए गए थे कि जैसे मेरे पास निफ्टी 50 के शेयर्स हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा था वो रुक गया था बीच में, तो निफ्टी 50 के शेयर्स हैं और मार्केट हाई पे पहुंच गया, अगर हम उसको बेचेंगे, अभी मैंने आपको बताया था, तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी लग जाएगा, डिलीवरी ब्रोकरेज भी लग जाएगी, टैक्सेस भी लग जाएंगे, ट्रांजैक्शन चार्जेस भी लग जाएंगे, एसटीटी भी लग जाएगा, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस भी लग जाएंगे, खर्चा बहुत पड़ेगा। प्लस मैंने आपको वॉरेन बफेट का एग्जांपल दिया था कि उन्होंने कहा था लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, वो भी एडवांटेज खत्म हो जाएगा। मैंने आपको विप्रो इन्फोसिस का एग्जांपल दिया था कि बोनस मिलता है, स्प्लिट होता है, डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड भी नहीं मिलेगा शेयर बेच दिया तो आपका वो सारा एडवांटेज खत्म हो जाएगा। तो हम क्या चाह रहे हैं कि एडवांटेज रखना चाह रहे हैं और अपना रिस्क भी खत्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर रिलायंस मुझे लग रहा है 2800 पे पहुंच गया, बेच दे तो नीचे आ जाएगा, अभी थोड़े दिन में 2500 आ जाएगा, 2400 आ जाएगा, तो क्या तरीका है? तो ये तरीका है कि अगर आपको लग रहा है कि अब रिलायंस 2800-2700 पहुंच गया है, अभी ये 400-500 रुपये करेक्ट हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, फ्यूचर रिलायंस का इक्विवेलेंट क्वांटिटी, जैसे आपके पास 500 रिलायंस की शेयर्स हैं, तो आप एक रिलायंस का फ्यूचर जिसमें 500 शेयर की एक लॉट होगी, एक सिंगल लॉट सेल कर देंगे 2800 के रेट पे। अब क्या होगा, मार्केट नीचे गिरेगी तो आपके पोर्टफोलियो में लॉस होगा, 2800 से 2700 हो गया, 2600 हो गया, 2500 हो गया, 300 रुपये नीचे आ गया, आपका पोर्टफोलियो में लॉस होने लगेगा। 300 मल्टीप्लाइड बाई 500 कितना हुआ, 15000 का लॉस हुआ, और फ्यूचर में 15000 का प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे, आपने सेल कर दिया है, नीचे रेट आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और आपने 2500 पे सौदा बराबर कर दिया, वापस परचेज कर लिया, तो आपको 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो 15000 रुपये का नुकसान हुआ कैश फोलियो में और 15000 का प्रॉफिट हो गया फ्यूचर में, नेट पोजीशन खत्म। अब वापस मार्केट फिर बढ़ेगी ऊपर, अब आप ओपन छोड़ दीजिए उसको, जाने दीजिए, और शेयर का डिविडेंड मिलेगा वो भी आपका, ब्रोकरेज भी नहीं लगी डिलीवरी की, कोई टैक्स भी नहीं लगा, कैपिटल गेन वगैरह कोई चार्जेस भी नहीं लगे। ये प्रैक्टिकल यूज़ है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, डेरिवेटिव क्या होते हैं, कैसे इसका यूज़ करेंगे, फ्यूचर क्या होता है, फॉरवर्ड क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। एक और रीज़न है फ्यूचर बनाने का या डेरिवेटिव बनाने का, जब आप शेयर बेचते हैं मार्केट में, आपने 1001 शेयर एक साथ बेच दिए, तो हो सकता है 1000 शेयर एक साथ कोई खरीद ना रहा हो, कोई 50 खरीद रहा हो, कोई 100 खरीद रहा हो, कोई 200 खरीद रहा हो, कोई 10 खरीद रहा हो, कोई एक ही शेयर खरीद रहा हो, तो आपके पूरे शेयर छितर जाएंगे। छितर जाएंगे का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि आपको अलग अलग प्राइस मिलेगा। आपने अगर जीरो भर के मार्केट भाव पे बेच दिया, तो हो सकता है एक शेयर आपका 2800 पे बिके, एक बिके 2795 में, एक बिके 2790 में, 50 शेयर बिके 2797 में, 2800 पे पूरे के पूरे नहीं बिकेंगे एक साथ। वो तभी होगा जब 1000 शेयर कोई एक साथ खरीद रहा होगा, इतना कोई खरीदता नहीं है कैश मार्केट में। तो उसका तरीका क्या है, लॉट जब एक बार में आप बेचते हैं, तो अगर वो 2795 रुपये 95 पैसे में बिकेगी, तो सारे के सारे शेयर 2795 रुपये 95 पैसे में ही बिकेंगे, एक ही भाव मिलेगा पूरे का, एक लॉट है, क्योंकि सिंगल लॉट है। उन्होंने क्या बंडल बना के इसको धागे से बांध दिया सारे शेयर, अब वो पूरी एक बार में बुके बना दिया, एक एक फ्लावर नहीं बेच रहे अलग अलग, ठीक है, तो पूरा का पूरा बुके एक भाव में बिकेगा। 100 रुपये का ले लो, ऐसे क्या है, कोई कह रहा है 2 रुपये का फ्लावर लेंगे, कोई कह रहा है 5 रुपये का लेंगे, कोई 10 रुपये का लेंगे, अलग अलग भाव पे बिकेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये भी एक एडवांटेज है फ्यूचर का। डिलीवरी कहाँ, फ्यूचर में डिलीवरी कहाँ मिलती है, फ्यूचर तो ट्रेड करने के लिए होता है, वो एक्सपायर हो जाता है। जैसे कि किसान वाले एग्जाम्पल से समझिए सारी चीज़ें, किसान ने कहा 3 महीने बाद जब मेरी फसल पकेगी तब आप ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना, तो क्या 3 साल तक चलता रहेगा क्या, 3 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, एंड हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, 3 महीने एक दिन पे काम नहीं करेगा, 3 महीने के पहले उसको सारी फसल ख़त्म कर देनी है लेके काट फाट के। शेयर की होल्डिंग नहीं होती है, डिलीवरी नहीं मिलती है फ्यूचर में। आप चाहें तो फ्यूचर की डिलीवरी ले सकते हैं एक्सपायरी के पहले, जैसे आपने क्या किया कि आपने गोल्ड का फ्यूचर बाई किया, 50000 रुपये का रेट चल रहा था, आपने इस एक्सपेक्टेशन में बाई किया कि बहुत तेज़ी से मार्केट बढ़ रहा है, क्राइसिस बढ़ रही है, 55000 गोल्ड हो जाएगा या 51000 हो जाएगा, आपने 1 kg की एक लॉट बाई कर ली। वो हुआ क्या,
50,000 रुपये पर 10 ग्राम के हिसाब से। हुआ क्या, 1 kg कितने का पड़ेगा, 50 लाख का, ठीक है, 50 लाख का टोटल कॉन्ट्रैक्ट होगा। देना कितना पड़ेगा, टोटल ट्रेड अमाउंट का 10%, गोल्ड में 10% का मार्जिन चलता है, ठीक है। तो आपको 5 लाख रुपये जमा करने पड़ेंगे एक्सचेंज में और आप 50 लाख का सौदा कर पाओगे। लेकिन अगर आपको हाजिर में करना है, स्पॉट पे करना है, तो आपको पूरा 50 लाख, यानी अगर आपको फिजिकल गोल करना है तो आपको 50 लाख देने पड़ेंगे। 50 लाख कौन लेके बैठा है कैश में, ठीक है, तो उसकी जगह क्या करेगा कि 5 लाख होता है जनरली लोगों के पास, तो 5 लाख रुपये जमा करें, उन्होंने 1 kg गोल्ड बाई कर लिया, 1 kg गोल्ड फ्यूचर में और 1 kg के गोल्ड स्पॉट में, दोनों इक्वल प्रॉफिट देंगे। जब अगर 50,000 का रेट 51,000 हो जाएगा तो उसको भी 1 लाख का प्रॉफिट होगा और इसको भी 1 लाख का प्रॉफिट होगा। हाजिर वाला जब बेचेगा तो उसको ट्रांजेक्शन चार्जेस टैक्सेस ज़्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन ये डेरिवेटिव वाला बेचेगा उसको कंपेरेटिवली कम चार्जेस टैक्सेस लगेंगे और उसका पैसा भी 1/10 लगा, उसका 50 लाख रुपये लगा, तो 50 लाख रुपये पे 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, रिटर्न कमाया। 5 लाख पे 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, 20% का प्रॉफिट आ गया, समझ रहे हैं, और उसका 2% का प्रॉफिट आया। तो ये सारे एडवांटेज होते हैं डेरिवेटिव में। अब डेरिवेटिव का एडवांटेज समझ पा रहे हैं, सिंगल भाव पर ट्रेड होगा, कम पैसा इन्वेस्ट होगा बिजनेस में, प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा लेकिन लॉस भी उसी हिसाब से होगा। 1,000 घट गया तो 20,000 इसका 20% का लॉस होगा और उसका 2% का ही लॉस होगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस उसी ये नहीं होगा कि प्रॉफिट में बढ़िया है लॉस में नहीं, तो लॉस भी उतनी तेज़ी से होता है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस सेम परसेंटेज में होगा। अब क्या हुआ कि दूसरा सिनेरियो लेते हैं, आपने 50,000 रुपये पर 10 ग्राम पे खरीदा, रेट घट गया 49,000 आ गया, तो सबसे पहले एक्सचेंज आपसे कहेगा भैया आपका 1 लाख का शॉर्टफॉल हो रहा है, इसको कवर करो, तो आप 4 लाख ही बचे, 1 लाख रुपये लॉस हो गया, तो आपके पास कॉल आएगी मार्जिन पूरा करिए, तो तुरंत आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, चेक देनी पड़ेगी ब्रोकर को, आपको मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा ये, अब मान लो एक्सपायरी आ रही है, रेट नहीं बढ़ रहा, घट गया, अब फंस गया आपका सौदा, तो एक तरीका क्या है, लॉस बुक करो बस, क्योंकि डिलीवरी तो मिलनी नहीं है, सौदा काटो, सौदा काटा तो आपको लॉस बुक होगा। दूसरा तरीका होता है सौदा रोल ओवर करो। रोल ओवर क्या होता है, रोल ओवर का मतलब ये वाला काटो और अगला कॉन्ट्रैक्ट खरीदो, अगले 3 महीने वाला। लेकिन उसमें क्या होता है कि उसका रेट ऊपर चल रहा होता है, ये भी बड़ी मुसीबत होती है, यानी कि रोल ओवर कॉस्ट होती है। तो जो लोग सेल करके चलते हैं उनको रोल ओवर कॉस्ट मिलती है और जो बाई करके चलते हैं उनको रोल ओवर कॉस्ट पे करनी पड़ती है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर मुझे ये लग रहा है कि अभी जैसे रुपया जो है वो 80 रुपीज़ पर डॉलर पर पहुँच गया है, तो मुझे लग रहा है कि यार बहुत हो गया, अब इंडियन इकॉनमी यहाँ से अच्छा करेगी, स्टॉक मार्केट अच्छा करेगा और हमारा रुपया जो है रिकवर करेगा, तो मैं क्या करता हूँ, USD INR के कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर देता हूँ, सेल करके छोड़ देता हूँ। तो जब मैं सेल करके छोड़ूंगा और नीचे आया रेट, तो मैं क्या करूँगा, मुझे उसको रोल ओवर करना होगा, मुझे लगातार प्रॉफिट खाते रहना है। तो जब मैं उसको प्लस करूँगा और पिछला कॉन्ट्रैक्ट फिर से माइनस करूँगा तो मुझे ऊपर के रेट पर मिलेगा वो, तो मैं और ऊपर के रेट पर फिर बेचूँगा, तो वो मुझे फ़ायदा देगा क्योंकि मैं बेच के नीचे खरीद रहा हूँ, तो मुझे हायर रेट मिल रहा है, तो मैं वापस बेच दे रहा हूँ उसको, फिर से नीचे के रेट पे खरीद ले रहा हूँ। हर बार यही हो रहा है, उसका रेट धीरे धीरे नीचे जा रहा है और मुझे हायर रेट मिल रहा है, मैं हायर रेट पे बेच रहा हूँ उसको, वापस नीचे के रेट पे खरीद रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि मुझे रोल ओवर कॉस्ट का फ़ायदा मिलेगा, नहीं जो सेल करके चल रहा होगा और फ्यूचर में रेट ऊपर मिलता है रोल ओवर पे करने पे, और जो बाई करके चल रहा होगा उसको रोल ओवर कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। उसको ये वाला कॉन्ट्रैक्ट उसने बेचा, मान लो उसका रेट चल रहा है 49,000 रुपये, लेकिन जो अगला वाला कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होगा वो चल रहा होगा 49,200 या 300 रुपये, तो जो 200-300 रुपये है उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, फिर उसको वो खरीदना पड़ेगा बड़े रेट पे। अभी वाला 49,000 पे बेचा है और वो 49,300 पे खरीदा उसने, तो 300 रुपये उसको एक्स्ट्रा पे करने पड़ गए पर 10 ग्राम, यानी 1 kg है तो आपको उस हिसाब से ज़्यादा पे करना पड़ेगा उतना टाइम्स, तो ये महंगा पड़ता है, ठीक है। तो रोल ओवर करने पे पैसा लगेगा। तो दूसरा तरीका, आप तीसरा तरीका क्या है इसका, तीसरा तरीका ये है कि फिर मैं डिलीवरी ले लूँ। अब मैं एक्सचेंज से कहूँ कि ऐसा है मुझे रोल ओवर कॉस्ट नहीं बियर करनी है, ये पूरे पकड़ो 50 लाख रुपए 49 लाख रुपए जो भाव चल रहा है
ठीक है, मेरे पास 4 लाख ये हैं और 45 लाख रुपए ये लो, 49 लाख रुपए हुए, मुझे 1 kg गोल्ड दे दो, खेल खत्म। ठीक है, तो आपने डिलीवरी उठा ली। लेकिन ये कोई नहीं करता, क्योंकि जो वायदा बाजार में गया है उसके पास 49-50 लाख रुपए होते तो फिर वो क्यों आ जाता? वो तो ट्रेडिंग करने गया है, वो तो स्पेकुलेशन से गेन लेने गया है। या फिर ज्वेलर्स करते हैं, ज्वेलर्स क्या करते हैं, उन्होंने गोल्ड खरीदा क्योंकि उनको बेचना है, तो 50,000 चले चाहे 55,000 चले, अगर उनकी दुकान में गोल्ड नहीं होगा तो ग्राहक क्या खरीदेगा आके? अब उनको लग रहा है 55,000 रुपये हो गया, बहुत महंगा हो गया, अब नहीं खरीदेंगे। तो अगर नहीं खरीदोगे तो दुकान में रखोगे क्या? दुकान में रखोगे नहीं तो ग्राहक आके क्या देखेगा? खाली दुकान देखेगा आके क्या? तो उनकी मजबूरी है, उनको कोई भी भाव मिलेगा खरीदना पड़ेगा। तो अगर 55,000 पे उन्होंने खरीद लिया गोल्ड, 10-20 kg 100 kg तो खरीदना ही पड़ता है भाई, पूरी दुकान भरनी है, लगातार ग्राहक आते रहते हैं, और एकदम से रेट 40,000 रुपये पे आ गया, 45 हो सकता है, हो ही जाता है, तो उनका तो पूरा बाजा बढ़ जाएगा, तो दिवालिया निकल जाएगा उनका। तो क्या करेंगे? तो वो क्या करते हैं, भाई मैंने 10 kg गोल्ड खरीदा है तो 10 लॉट मार्केट में शॉर्ट कर दो। समझ रहे हैं बात को? अब 10 लॉट उन्होंने मार्केट में शॉर्ट कर दी, तो उससे क्या हुआ कि जब अगर गोल्ड 50,000 वाला 45,000 हो जाएगा तो उनको वैसे तो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी 50 लाख का घाटा लग रहा होगा, लेकिन 50 लाख का प्रॉफिट उनको फ्यूचर से मिलने लगेगा। तो जितना लॉस उनका इधर होगा उतना वहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा, तो नेट पोजीशन कोई नहीं, बिजनेस उनका चलता रहेगा, बिजनेस से वो प्रॉफिट कमाते रहेंगे। दिस इज कॉल्ड हेजिंग। इसीलिए डेरिवेटिव मार्केट बनाया गया था, डेरिवेटिव मार्केट बनाया गया था व्यापारियों के लिए। अब जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो गोल्डी मसाले में काम करती है, ट्रेडिंग का काम करती है, कमोडिटी ट्रेडिंग होती है, तो गोल्डी मसाले के हल्दी, खटाई, धनिया, ये सब चीज़ों का, कोरिएंडर, ये सब चीज़ों का ट्रेड होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने 10 ट्रक हल्दी खरीदी, ठीक है, मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन, 100 टन, 1 टन ऐसे करके खरीदते हैं बल्क में। तो वो क्या करते हैं, जब उन्होंने फिजिकल मार्केट में खरीदी तो पहले तो क्या करते हैं कि वो पैक करके बेचते हैं, गोल्डी मसाले का हल्दी आता है। लेकिन उन्होंने मान लो 7,500 पर केजी का रेट चल रहा है, खरीद लिया, बहुत रेट महंगा है। अब महंगा है तो यार उनको अगर मसाला बेचना है कोई भाव होगा, खरीदना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी करेंगे कि मसाला महंगा आ रहा है तो गोल्डी मसाले का मसाला इस महीने नहीं आएगा। तो उनको तो कोई भी भाव मिले, रॉ मटेरियल उनको खरीद के पैक करके बेचना है। लेकिन होता क्या है, जब रेट ज़्यादा बढ़ता है तो लोग कंजम्पशन उस चीज़ का थोड़ा कम कर देते हैं। अब जैसे प्याज 100 रुपये kg हो जाए, टमाटर 100 रुपये kg हो जाए, तो मम्मी क्या करती है, भैया कम टमाटर डालेंगी, सैलेड में टमाटर नहीं देंगी, ठीक है, सब्जी में भी कम ही डालेंगी, 4 डालती होंगी तो 2 ही डालेंगी या 1 ही डालेंगी, या ऐसी कोई सब्जी बना देंगी टमाटर की जरूरत ही ना पड़े। कंजम्पशन कम हो जाता है और आगे चल के फ्यूचर में रेट भी नीचे आ जाता है। लेकिन उन्होंने तो खरीद लिया, और वो कोई 10-10 किलो तो खरीद के ला नहीं रहे होंगे मंडी से। मंडी से खरीदने जाएंगे तो 1 ट्रक तो खरीदेंगे ना, अगर 1 ट्रक खरीदा तो उसमें 5-10 टन का तो माल आएगा। तो 10 टन का माल आया, उन्होंने इतने महंगे रेट पे खरीदा, और मान लो ना बिका, मार्केट में रेट नीचे आ गया, तो उनका तो बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो बहुत हाई रेट पे खरीद लिया और मार्केट में हल्दी नीचे हो गई। तो आपको मार्केट का रेट, अपने पैकेट का रेट भी सस्ता करना पड़ेगा। और ये भी नहीं हो सकता है कि पिछले महीने जो पैकेट गया था वो 50 रुपये का था, अब कि आप 75 रुपये का पैकेट बना दो, ऐसे भी नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट ये नहीं करने देगी आपको कि पहले आप 50 रुपये का 100 ग्राम बेच रहे थे, आपने कहते 100 रुपये का 100 ग्राम बेचेंगे इस महीने। आप 10-20% रेट बढ़ा सकते हो, ठीक है, वो भी प्रॉब्लम है। तो रेट एकदम से नीचे भी नहीं कर सकते, एकदम से ऊपर भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो क्या करती है, वो ट्रेड करती रहती है, उनके लिए जो उन्होंने महंगा माल खरीदा उसको वो फ्यूचर में शॉर्ट कर देती है। तो उससे क्या होता है, अगर कभी मार्केट में रेट नीचे जाता है तो वहाँ से उनको फ्यूचर से प्रॉफिट मिल जाता है। ऐसे ट्रेनरी वाले करते हैं, यूके से उन्होंने ऑर्डर मिला जैकेट बनाने का, मिर्ज़ा टेनरी को, ठीक है, सुपर हाउस को, इंडिया कानपुर में काम होता है। तो अब उनको पेमेंट आनी है पौंड में या डॉलर में, और अभी का भाव चल रहा है 80 रुपये इज इक्वल टू $1, ठीक है, अमेरिका से ऑर्डर आया। आगे चल के क्या हुआ, 6 महीने बाद पेमेंट मिलनी है, 6 महीने के बाद क्या हुआ कि रुपया स्ट्रांग हो गया, ठीक है, और डॉलर वीक हो गया, तो किसी ना किसी पार्टी को नुकसान हो जाएगा। और कभी कभी ये होता है कि 20% या 15% का मार्जिन होता है पूरे ट्रेड में, और करोड़ों का सौदा होता है, 1,000 करोड़ का सौदा हो रहा है, उसमें उनको
20% का मार्जिन मिलना है, यानी कि उनको 200 करोड़ मिलने हैं। अब पता चला फॉरेक्स में मार्केट में उल्टी चाल हो गई 20% की, तो 20% का उनका लॉस हो गया, 200 करोड़ रुपए जा रहे हैं। तो वो अगर 200 करोड़ का लॉस खा जाएंगे तो उनकी कंपनी हो जाएगी बंद, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम है। तो वो लोग क्या करते हैं, जब भी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो करेंसी में हैज कर देते हैं, समझ रहे हैं, कि उनको पेमेंट जैसे मिल रही है उन्होंने पहले हैजिंग कर दी। जैसे गोल्ड का एग्जांपल दिया मैंने आपको, ज्वेलरी वाला, ठीक है, कि उसने गोल्ड खरीदा तो हैज कर दिया उसको। इसी तरह से करेंसी हैजिंग भी होती है, करेंसी डेरिवेटिव भी आते हैं, ठीक है। मेरी करेंसी डेरिवेटिव में बड़ी अच्छी पकड़ है और मुझे ट्रेडिंग में उससे बहुत फ़ायदा भी होता था, और करेंसी ट्रेडिंग बहुत बढ़िया तरीका है पैसे कमाने का, सबको आता भी नहीं है इधर, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें समय लगता है, टाइम लगता है, और वो शॉर्ट ऑफ मुझे फिर ये लगता है कि आदमी बैठा हुआ है ट्रेडिंग टर्मिनल पे, उससे मैं, मुझे लगता है मैं सोसाइटी को क्या दे रहा हूँ। मान लो पैसा निकाल लिया मैंने, एक महीने की सैलरी, जैसे मैंने 3 महीने की सैलरी निकाल ली, लेकिन मैं ट्रेडिंग टर्मिनल पे बैठे थे सुबह से शाम तक काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने सोसाइटी में क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया। तो उससे बढ़िया ये है कि चलो ठीक है, ये नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, तो नहीं करते अभी फ़िलहाल, लेकिन अगर आप लोग कहोगे तो सिखाने के लिए आपको करेंगे। और उसका कॉन्ट्रैक्ट पता है बहुत सस्ता होता है, 5,000 रुपये में आप करेंसी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर सकते हैं, डॉलर का, एक डॉलर की लॉट को आप सिर्फ 5,000 रुपये में ट्रेड कर सकते हैं। हम लोग 500-500 रुपये मार्जिन में करा देते थे, ठीक है, बहुत सस्ता होता है। $1,000 की लॉट होती है, तो $1,000 का मतलब 80,000 का हुआ, 80,000 का ही हुआ ना, ठीक है, तो 80,000 का हुआ, तो 80,000 का हम लोग सिर्फ मान लो 10% हुआ 80,000 का, 8,000 रुपये, और 2-3% पे काम करा देंगे, यानी कि 2-3 हज़ार रुपये भी होगा तब भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि करेंसी में वोलेटिलिटी बहुत कम होती है, तो मार्जिन उसका बहुत कम लगता है। 5% मार्जिन हुआ 4,000 रुपये, 5% मार्जिन पे आप करेंसी में काम कर सकते हैं, तो 4,000 रुपये आप डालिए, आप एक डॉलर की लॉट पे डेरिवेटिव में काम कर सकते हैं। करके दिखाएंगे कैसे डेरिवेटिव। आपको कुछ समझ में आई बात? अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, कुछ पूछना हो। गोल्ड ज्वेलर्स जो है वो कैसे फ्यूचर में हेजिंग करता है, मतलब ग्राहक आएगा कहेगा मार्केट में तो 45 चल रहा है, आप 50 में क्यों बेच रहे हैं, तो अगर वो 45 में बेचेगा तो उसको पर केजी 5 लाख का घाटा होगा, उसने 10 किलो खरीद रखा है उसका, यानी कि 50 लाख का नुकसान हो रहा है। अब आप समझिएगा गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस कितना मुश्किल है, ठीक है। हाँ, फिर आगे बढ़े, कितना लॉट सेल करेगा, एक लॉट 1 kg का होता है, बड़ा गोल्ड जिसको कहते हैं बिग गोल्ड, 1 kg का एक लॉट होता है, तो 10 लॉट बेचनी पड़ेगी, और एक लॉट में 45,000 रुपये नीचे जाएगा तो उसको 5 लाख का प्रॉफिट होगा, तो 10 लॉट पे उसको 50 लाख रुपये का प्रॉफिट आने लगेगा। और अगर गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है फिर क्या, तो नुकसान होने लगेगा फ्यूचर में। हाँ, लेकिन जो उसने 50 में खरीदा है वो बढ़ा के बेच देगा, तो वहाँ तो मतलब उसका बिजनेस इंटैक्ट रहेगा, उसका न्यूट्रल रहेगा, वो बिजनेस में जो ग्राहकों को बेच के जो वो मुनाफा कमाता है वो कमाता रहेगा, उसके बिजनेस पे मार्केट की वोलेटिलिटी से इसीलिए डेरिवेटिव बनाए गए थे, ठीक है। आपको समझ में आया डेरिवेटिव क्यों बनाए गए थे? डेरिवेटिव ना होते तो बिजनेस कैसे होता, टेनरी वाला कैसे बिजनेस करता, गोल्ड वाला कैसे करता, बड़े बड़े जो मसाले का काम करते हैं, कमोडिटी का काम करते हैं, एल्यूमिनियम का काम करते हैं, कॉपर का काम करते हैं, ये सब काम ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने कोई भाव खरीदा एकदम से भाव नीचे आ जाता है तो वो तो खरीद चुके हैं। अब ग्राहक थोड़ी ना बड़े भाव पे खरीदेगा, वो तो कहेगा मुझे जो अभी मार्केट का प्राइस चल रहा है वो चाहिए, क्योंकि अभी ट्रांसपेरेंसी हो गई है, वो तो मार्केट में सोना खरीदने के पहले न्यूज़पेपर में और मोबाइल पे चेक करके जाता है कि क्या भाव चल रहा है आज का सोने का, तो कहोगे भैया मैंने तो 50 में खरीदेगा, तो कहेगा भाव अपने रख के रहिए, ठीक है, हमें तो 45 में ही चाहिए। डेरिवेटिव क्यों बनाया गया और उससे क्या फ़ायदे होते हैं बिजनेस को और ट्रेडर को, वो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से इसमें कोई क्वेश्चन हो, डेरिवेटिव क्या होता है, अब कभी ज़िंदगी में डेरिवेटिव से रिलेटेड कोई समस्या, इससे आपका एक फ़ायदा और हो रहा है, ये आपका MBA फाइनेंस का एक मॉड्यूल है, करेंसी डेरिवेटिव मॉड्यूल, मतलब एक सेमेस्टर कवर हो गया, हो जाएगा जब आप ये पढ़ लेंगे मॉड्यूल, तो आपने MBA का एक सेमेस्टर, फाइनेंस का फाइनल ईयर का एक सेमेस्टर, फाइनल सेमेस्टर आपने एक तरह से क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि उसका पेपर इससे बहुत हल्का आता है, NISM डेरिवेटिव का पेपर अच्छा खासा आता है, तो अगर आपने NISM डेरिवेटिव कर लिया, यानी आपने MBA फाइनेंस 4 सेमेस्टर का डेरिवेटिव फाइनेंस स्पेशलाइजेशन का पेपर क्लियर कर लिया, तो ये भी फ़ायदा मिल जाएगा आपको, उस समय जब आप पहुँचेंगे तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसके बाद इसका हिस्ट्री आता है, ठीक है,
ये हिस्ट्री आप खुद पढ़ के आइएगा, ये बुक मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ।